Hi guys, welcome to the new video tutorial. In this video I am going to discuss floating properties in CSS. Float property hum mainly use karte hain CSS mein positioning ke liye, matlab ki aap use kisi bhi content ko aap left right mein use karna chahte ho, uski position dena chahte ho, chahe wo image ho ya fir koi div element ho ya fir koi paragraph ho ya koi text ho, to use hum matlab arrange karne ke liye, position dene ke liye shift karna chahte ho, to uske liye hum use karenge floating property. Theek hai, float property ka mainly use yahi hai. ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोई इमेज है तो उसे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इमेज इंसर्ट करने के मैं यहाँ पे बताया img सोर्स टैग यूज करते हैं, src सोर्स देते हैं. मैं चाहता हूँ कि ये इमेज, इस इमेज को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, fb नाम का इमेज, उसका फॉर्मेट jpg है और वो img नाम के फोल्डर में, तो img मैंने फोल्डर नेम .fb .extension name. ठीक है, अब ये इमेज इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब इसे मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में ओपन करूँगा, तो अब देखो ये इमेज इंसर्ट हो चुका है. ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, हाइट बहुत मतलब इस पूरे स्क्रीन को कवर कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ इसकी हाइट और विथ सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं img टैग यूज करूँगा, उसकी हाइट और विथ दे दूँगा. यहाँ पर मैं उसकी हाइट दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ 150 pixels एंड विथ भी 150 pixels दे देना चाहता हूँ, तो 150 pixels मैंने विथ भी दे दिया. अब इसे मैं सेव करता हूँ, फिर ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँगा. अब देखो ये इसकी हाइट और विथ सेट हो गई है. ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसे फ्लोटिंग प्रॉपर्टी का यूज बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट में ही होती है, तो मैं फ्लोट राइट वाली कुछ नहीं, इमेज टैग के अंदर इमेज का जो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी सेट किया है CSS के थ्रू, अब यहाँ पर मैं फ्लोट राइट कर दूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, इमेज जो है राइट में शिफ्ट हो जाएगा. अब देखो कि मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, तो अब ये देख रहे हो इमेज राइट में शिफ्ट हो गया है. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इमेज का थोड़ा बॉर्डर जो है बॉर्डर का थोड़ा राउंडिंग कर देना चाहता हूँ, तो बॉर्डर रेडियस मैंने बताया था बॉर्डर प्रॉपर्टी में, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैं 5 pixels दे देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इमेज जो है इमेज का बॉर्डर थोड़ा राउंडेड हो जाएगा. ठीक है, अब देखो राउंडेड हो गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है. ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट कॉपी कर दूँगा. ठीक है, तो इस तरह से हम इमेज टैग मैंने यूज किया, मैं कुछ कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, कुछ थोड़े से कंटेंट. ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियरली समझ में आए क्या इसका प्रोसेस है. जैसे मैं कुछ कंटेंट यहाँ से मैंने कॉपी करा है और इसे यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया. ठीक है, अब देख रहे हो कि ये जो है कंटेंट तो आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करता हूँ, इसकी मैं पैराग्राफ यूज कर देता हूँ यहाँ पर. ठीक है, पैराग्राफ यहाँ पे मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ. ठीक है, और मैं इसे हेडिंग दे देता हूँ अबाउट करके, h1 टैग यूज करता हूँ ताकि थोड़ी बड़ी रहे. ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ से मैं इसे जुकरबर्ग जो है इसे मैं कॉपी करता हूँ. ठीक है, इसे मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ. ठीक है, अब इसे मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ. इसके बाद फिर मैं h1 की जो है h1 प्रॉपर्टी मैं उसमें कुछ h1 टैग की जो प्रॉपर्टी है उसे मैं सेट कर देता हूँ, कलर उसका दे देता हूँ रेड. ठीक है, और पैराग्राफ का जो कलर है उसे मैं पैराग्राफ का कलर जो है उसे मैं जो है पैराग्राफ का कलर मैं उसे ग्रीन कर देता हूँ. ठीक है, मैं उसे ग्रीन कर दे रहा हूँ. यहाँ पर आप देखोगे क्या हो जाएगा, पैराग्राफ जो है ग्रीन हो गया है. ठीक है, अब उसके बाद मैं चाहता हूँ उसकी साइज बहुत ज़्यादा है, तो मैं फॉन्ट का साइज जो है छोटा कर देता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज करूँगा फॉन्ट साइज, पैराग्राफ के फॉन्ट का साइज 30 pixels, यहाँ पे मैं उसे 20 pixels कर देता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे मैं ये पूरे पैराग्राफ को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो इसलिए ये छूट जा रहा है पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, मतलब वहाँ पे भी मैं पी टैग यूज कर लेता हूँ. तो आप देखोगे कि ये एक पैरा में आ गया, और इसकी फॉन्ट के साइज जो है 20 ज़्यादा है, इसको मैं 10 कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि फॉन्ट साइज सही हो गया है. लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि इमेज, मैं चाहता हूँ कि ये सारा एक साथ आए. ठीक है, और मैं इमेज को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इमेज को राइट में नहीं रहने दो, वाइट, अब मैं इसे पहले राइट में ही है, सही है. उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
ये जो है इसको मैं डीप टैग के अंदर यूज कर लेता हूँ ताकि जो है सारा कंटेंट एक में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास डीप टैग के लिए मैंने बताया था पहले लास्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डीप क्लास एम यूज कर लेता हूँ क्लास का नेम, और सारा कंटेंट को मैं डीप टैग के अंदर यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं डीप का क्लोजिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं उसकी क्लास, अब जो क्लास नेम है मैंने बताया था क्लास नेम जब भी क्लास यूज करते हैं तो हम उसका डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, और आईडी यूज करते हैं तो हम हैश ऑपरेटर यूज करते हैं। तो डॉट क्लास नेम दे देता हूँ मैं, डॉट और फिर क्लास नेम। अब क्लास नेम की प्रॉपर्टी सेट करता हूँ, तो उसकी विड्थ सेट कर देता हूँ मैं 500 पिक्सल, और हाइट दे देता हूँ हाइट 500 पिक्सल। ठीक है, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं रेड दे देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, अब देख रहे हो कि जो मैंने डीप टैग एलिमेंट यूज किया है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है, और वो जो है 500 पिक्सल उसकी हाइट है और विड्थ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो इसके बीच जो कंटेंट है, ये इस इमेज को मैं इस अगर आप चाहते हो कि डिव एलिमेंट है इसे राइट में शिफ्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप, मैंने जो क्लास डिफाइन किया है तो यहाँ पे आप फ्लॉट राइट कर दोगे तो डिव एलिमेंट भी जो है राइट में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देख रहे हो आप डिव एलिमेंट भी लेफ्ट राइट में शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से हम डिव एलिमेंट या इमेज को भी हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं, डिव एलिमेंट को भी लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसके बीच थोड़ा गैप दे दूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज करूँगा पैडिंग प्रॉपर्टीज़, मैंने बताया था। तो पैडिंग के लिए मैं यूज करूँगा पैडिंग, लेफ्ट से पैडिंग चाहिए तो मुझे पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 30 पिक्सल छोड़ दे, देखो आप पैडिंग मिल गया है मुझे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसका कलर रेड से रेड रिमूव कर देता हूँ मैं, कलर कलर इसे मैं वाइट दे देता हूँ। ठीक है, क्यों तब रेड पे रेड दिख नहीं रहा है मुझे, तो इसलिए अब देख रहे हो अब ये परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज़ लेफ्ट राइट में यूज करना चाहता हूँ तो आप डिव एलिमेंट पे, इमेज पे, सारे जगह पे आप फ्लोटिंग प्रॉपर्टी के थ्रू उसे आप पोजीशन शिफ्ट कर सकते हो, चाहे वो इमेज हो या फिर डिव एलिमेंट हो या फिर कोई भी कंटेंट हो, इस तरह से आप फ्लोट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ठीक है, होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन वेब डेवलपमेंट। थैंक यू।